जय हिंद दोस्तों। आज हम पार्लियामेंट चैप्टर 22 जो पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत का, उसमें आज हम मोशन देखेंगे। पीछे जो है हमने जीरो आवर और वो क्वेश्चन आवर देखा था। तो मोशन मोशन कितने तरह के होते हैं, चूंकि इसमें यूपीएससी में जो है मैच ऑफ पेयर में दे देता है क्वेश्चन ये, तो इसको हम लोग आराम से देखेंगे रिलैक्स होके। ठीक है, जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। मोशन कह रहा है कि नो डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ जनरल जनरल इम्पोर्टेंस का कोई भी मैटर, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन द मोशन, ठीक है, बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, ठीक है, बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के लाया नहीं जा सकता। मतलब मोशन किसको कहते हैं, मान लीजिए कोई जनरल इम्पोर्टेंस की बात आ रही है, जैसे मान लीजिए सीए बिल चल रहा है और मान लीजिए एनआरसी चल रहा है, इस पे कोई डिस्कशन करना है, तो जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का या राज्यसभा का चेयरमैन जब तक उसको ऑथराइज नहीं करेगा, तब तक मोशन कभी आ नहीं सकता। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा दूसरा देख लीजिए कि द हाउस एक्सप्रेस द डिसीजन और ओपिनियन ऑफ वेरियस इशू एडॉप्टर्स, ठीक, और ये सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के मोशन नहीं आएगा। दूसरा बात, मोशन जो है या तो मिनिस्टर ला सकता है या तो प्राइवेट मेंबर, ठीक है, तो मोशन केवल और केवल जो है मिनिस्टर नहीं लाएंगे, मिनिस्टर भी लाएंगे और प्राइवेट मेंबर भी लाएंगे। तो हमारे काम का चीज़ दो चीज़ हुआ, ठीक है। आप कह रहा है कि द मोशन मूव बाई द मेंबर ऑफ रेज डिस्कशन वेरियस मैटर, ठीक है, इंटू थ्री प्रिंसिपल कैटेगरी, तीन तरह के मोशन आते हैं, ठीक है, नॉर्मली थ्री टाइप के मोशन आते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटीट्यूट मोशन और सब्सिडरी मोशन। अब परेशान मत हो हिंदी मीडियम वाले, आराम से सुनो। सब्सटेंटिव मोशन मीन्स होता है कि देखो, सब्सटेंटिव मीन्स होता है, इसलिए होता है सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर, मतलब केवल अपने पोषण के लिए खेती। मतलब मान लीजिए किसान क्या करता है, केवल अपने लिए उगाता है, तो वो मौसम वो जो मौसम जो होते हैं जो सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ऐसा मौसम जो केवल प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए है, इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए है, मतलब देखिए केवल अपने में जो है ये परफेक्ट है, सब्सटेंटिव है, केवल अपने लिए है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्सटेंटिव मोशन। मतलब वो मोशन जो सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल हो, अपने में ही ये एक तरह से इंडिपेंडेंट प्रपोजल हो। देखिए आप पढ़ते समय आराम से लक्ष्मीकांत बुक बगल में रख के पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले लोग, इंग्लिश मीडियम जो भी हो, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सब्सटीट्यूट, जैसा नाम से दिख रहा है, मतलब ये क्या करेगा, इट इज ए मोशन दैट मूव द सब्स, मतलब ये ओरिजिनल मोशन को मूव कर देगा। सब्सटेंटिव होता है मतलब जो अपने में पूर्ण होता है, सेल्फ कंटेन होता है। सब्सटीट्यूट में क्या होता है, जो ओरिजिनल मोशन को मूव कर देगा, यदि एडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा, तो ये ओरिजिनल मोशन को मूव कर देगा। तीसरा देख लीजिए सब्सिडरी मोशन, ठीक है, सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है, मतलब इसका अपना सहायक मोशन होता है ना, सहायक संधि, मतलब इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मोदी के साथ जो मिनिस्टर है, ठीक है, तो मोदी जब तक है तभी मिनिस्टर है, अगर मोदी नहीं तो वो सहायक होंगे, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के सहायक मिनिस्टर है, ठीक। तो ये मोशन जो होता है इसका कोई मीनिंग नहीं होता इंडिविजुअली, ठीक है, और ये इट इज़ मोशन दैट बाई इट सेल्फ नो मीनिंग कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ हाउस विदाउट रेफरेंस टू ओरिजिनल मोशन, ठीक है, ये ओरिजिनल मोशन के साथ आता है, ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिनल मोशन है, ठीक है, इसके ओरिजिनल मोशन में कुछ ऐड करना है, तो इसका जो है कोई मीनिंग नहीं है विदाउट इसके, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसका सहायक हुआ, ठीक है, तो ये हो गया सब्सटेंटिव मोशन, अरे सब्सिडरी मोशन, ठीक है। अब सब्सिडरी मोशन के, मतलब सब्सिडरी मोशन जो है तीन कैटेगरी में आता है, सब्सिडरी मोशन तीन कैटेगरी में आता है, इसको आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। पहला है ऑक्सिलरी मोशन, ठीक है, इट इज़ यूज टू रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग वेरियस, मतलब अगर कोई कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसके एज यूजल, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्सिडरी सहायक नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब एज यूजल जो प्रपोजल है उसमें जो एक और प्रपोजल आ रहा है, तो एज यूजल बिजनेस को जो आगे बढ़ा रहा है उसको कर रहे हैं ऑक्सिलरी मोशन। सुपरसीडिंग मोशन,
देखिए सुपरसीडिंग मोशन मतलब सब्सिडरी मोशन में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब्सिडरी मोशन तीन तरह से होता है, ये सब कैटेगरी है, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब सुपरसीडिंग मोशन में क्या होता है कि ये पुराने मोशन को, ठीक है, इट इज मूव द कोर्स ऑफ डिबेट अनदर इशू सीक टू सुपरसीड दैट इशू, मतलब जब ये आएगा तो उस इशू को सुपरसीड कर देगा, मतलब इस पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तीसरा है अमेंडमेंट मोशन, कि जब भी कोई अमेंडमेंट सब्सिडरी मोशन आएगा तो वो उसको पूरी तरह से बदल देगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी यूपीएससी में जो मैच अफेयर में देता है और स्टेट सर्विस कमीशन में भी देता है। क्लोजर मोशन होता है मतलब कि जब भी क्लोजर मोशन आएगा, ठीक है, तो जो हाँ तो क्लोजर मोशन जो है जो ही पास होगा, ठीक है, तो वो उस डिबेट को वहीं पे रोक दिया जाएगा और वो डिबेट जो है वोट के लिए पुट किए, मतलब वोट के लिए ला दिया जाएगा, उस पर कोई फर्दर जो है डिबेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लोजर, होता है ना, क्लोज करो, जो चल रहा है उसको बंद करो, ठीक है, अब इसको वोटिंग के लाएंगे। अब क्लोजर रिपोर्ट, क्लोजर मोशन चार तरह का होता है, फोर टाइप का होता है, बहुत सिंपल है। एक तो होता है सिंपल क्लोजर, ठीक है, आप नेम से जैसा देख रहे हैं कि सिंपल क्लोजर, ठीक। इट इज़ वन वैन मेंबर मूव द मैटर हैविंग बीन सफिशेंट डिस्कस, मतलब वहीं की नॉर्मल आप बहुत डिस्कस हो चुका है, उसको वोट के लिए पुट कर लीजिए, ला ला दीजिए, अब वो उस पर डिस्कशन फर्दर नहीं होगा, इसको कहते हैं सिंपल क्लोजर, ठीक है। दूसरा होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, मतलब मान लीजिए कोई बिल है, ठीक है, कई कंपार्टमेंट में है, ठीक है, तो मान लीजिए इस पर डिस्कशन हो गया है तो इसको क्लोज करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें घाच पाच हो रहा है, फिर इस कंपार्टमेंट को उठाएंगे, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर इस कंपार्टमेंट को, तो जब भी किसी कंपार्टमेंट को क्लोज करना होगा तो क्लोजर बाई कंपार्टमेंट आएगा, मतलब इस कंपार्टमेंट को अब क्लोज करो, फिर इसके डिस्कशन होगा, फिर इस कंपार्टमेंट को क्लोज करो, फिर ये आएगा, फिर इसको क्लोज करो, तो इस तरह से जैसे हम हैं पढ़ा रहे हैं लक्ष्मीकांत, तो वन बाई वन ले रहे हैं ना, पहले ही पढ़ाए फिर उसको क्लोज किए, फिर नेक्स्ट पढ़ाए फिर उसको क्लोज किए, फिर तो इसको कहते हैं क्लोजर कंपार्टमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है कंगारू कंपार्टमेंट, एक मिनट, नेक्स्ट है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर कुछ होता नहीं, कंगारू में होता क्या है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे होता है, जैसे कंगारू क्या करता है, उछलता है ना, देखिए ऐसे, ठीक है, तो जो ये एरिया है सिर्फ इसी पे डिस्कशन होगा, ये जो बीच के एरिया है, ठीक है, इस पे डिस्कशन नहीं होगा, इसे कहते हैं कंगारू क्लोजर, ठीक है। इसमें तो क्या होता है कंगारू क्लोजर में कि पूरे बिल में से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट पे वोटिंग होगी, अरे उसी पे डिस्कशन होगा और उसी पे वोटिंग होगी, तो ये हो गया कंगारू क्लोजर। अब है गुलेटिन क्लोजर। गुलेटिन क्लोजर कुछ होता नहीं है, कि होता क्या है कि इट इज वन व्हेन अनडिस्कस क्लॉज ऑफ ए बिल और ए रेजोल्यूशन आर पुट टू द वोट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये बिल है, ठीक है, और इस बिल का एक कोई हिस्सा है अनडिस्कस है, ठीक है, तो इस पूरी इसको नहीं डिस्कस किया जाएगा, ये जो अनडिस्कस पार्ट है, अगर ये आ गया, अगर गुलेटिन क्लोजर आया तो इसके अनडिस्कस पार्ट को क्लोज हुआ डिस्कस करके उसको जो है इससे मिला लिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो है ये किया जाता है। तो अब हम देखेंगे प्रिविलेज मोशन और कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, इसके बाद देखेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन, और इसके बाद जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। तो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन होता है जब ये मेंबर लाता है कोई, ठीक है, इट्स मूव बाय मेंबर, ठीक है, ये मेंबर लाता है किसके खिलाफ, ये लाया जाता है मिनिस्टर के खिलाफ, क्यों लाया जाता है, ब्रिच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस, यदि कोई मिनिस्टर प्रिविलेज हाउस के ब्रिज को तोड़ता है, ठीक है, तो ये मोशन लाया जाता है, ठीक है। यदि कोई मेंबर फील करता है कि कोई मिनिस्टर ने ब्रिज ऑफ हाउस के ब्रिज ऑफ प्रिविलेज को तोड़ा है, वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बाई विथ होल्डिंग फैक्ट, ठीक है, एक मेंबर भी ला सकते हैं, कई मेंबर भी ला सकते हैं, कि इन्होंने मिनिस्टर ने, सिर्फ मिनिस्टर के खिलाफ आता है, याद रखिएगा प्रिविलेज मोशन सिर्फ मिनिस्टर के खिलाफ आता है, ठीक है। और तो ठीक है, गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट, ठीक है, इन्होंने मतलब कि मान लीजिए कोई इन्होंने तोड़ मरोड़ के फैक्ट दिया है, कोई गलत फैक्ट दिया है,
ये कोई मेंबर जो है मिनिस्टर के खिलाफ लाता है। इट्स पर्पज टू सेंश्योर द कंसर्न मोशन। सेंश्योर क्या होता है हम आगे देखेंगे, ये मिनिस्टर को सेंश्योर करने के लिए, ठीक है, उसको जो है एकदम रिमांड पे लेने के लिए। जब भी कोई फैक्ट वगैरह देता है तो कोई मेंबर जो है मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है, क्योंकि आप कॉलिंग अटेंशन अटेंशन लाओ, ध्यान लाओ, आप समझ सकते हैं कि इंडियन की उपज होगी, ठीक है। तो 0 आवर की तरह ये भी इंडियन की उपज है। 0 आवर 1962 से स्टार्ट हुआ है और वो रूल ऑफ प्रोसीजर भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये जब भी लाया जाता है किसी किसी मेन अटेंशन किसी मेन मकसद के लिए लाया जाता है, मिनिस्टर के लिए कि वो उस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे जो है कोई स्टेट सी वो चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। मान लीजिए शाहीन बाग लग गया, तुरंत लग गया, उस पर कोई रिपोर्ट आ रही है तो तुरंत कॉलिंग अटेंशन लाया जाएगा और ये मिनिस्टर से पूछा जाएगा, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ मिनिस्टर से पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या हुआ, हो रहा है, ठीक है। तो लाइक 0 आवर ये भी इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, लेकिन इसमें उसमें फ़र्क क्या है, देखिए यही PUPSC गेम खेल देता है। जो 0 आवर है वो 1962 से स्टार्ट है और कॉलिंग अटेंशन 1954 से स्टार्ट है, लेकिन 0 आवर रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन रूल ऑफ प्रोसीजर मेंशन है, 0 आवर मेंशन नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर में, और ये रूल ऑफ प्रोसीजर मेंशन है। क्वेश्चन पूछ सकता है 0 आवर इज मेंशन इज द रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टेटमेंट वन। दूसरा, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन इज रूल ऑफ प्रोसीजर, तो ये स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन।